तो ये गणित शिक्षण की जो सीरीज शुरू हो रही है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हो रही है, क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, प्रश्न की संख्या में कम करा पाऊंगा, लेकिन मैं इसकी व्याख्या पूरा करूंगा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उनकी व्याख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा हो, बहु परीक्षा में आए प्रश्न आए, किंतु ये जरूर जरूरी है कि ऐसे प्रश्न व्याख्या अगर एक बार समझ लेंगे तो कहीं भी कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मैं व्याख्या करते समय संपूर्ण एनसीईआरटी पेडोलॉजी, साथ में एनसीईएफ 2005, निकली जो एजुकेशन, अन्य सभी बातों को पूरी तरह से ध्यान रखकर मैं आज की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग भी मेरा साथ देंगे और पूरी मनियों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मोस्ट वेलकम इन लर्निंग विद दुर्गेश। में आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। समस्या क्या है? निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। मैंने समस्या आई हो, समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचेगा। उपयुक्त सवाल में ब्लूम की टैक्सोनॉमी माने ब्लूम की संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी, आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी जानते होंगे, तो आप तुरंत इसका उत्तर लगा लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही अपने आप स्पष्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरी क्लास स्टार्टिंग से ले रहे होंगे तो यकीन मानिए आप इस प्रश्न का जवाब दे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है, इसमें हल करने के लिए कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितना बेचेगा। तो ज्ञान का नहीं होगा, बोधन माने सीखने का नहीं होगा। अब यह संश्लेषण नहीं करना है, संश्लेषण विधि और विश्लेषण दो शिक्षण विधियां हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा वह क्या है? वह मिट्टी खोली जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर होगा। माने इस प्रश्न को विश्लेषण करना पड़ेगा। इसको हम ऐच्छिक नियम से लगा सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि भैया 10 दिन में 1410 लीटर बेच रहा है, एक दिन में इस लड्डू से लड्डू काट देंगे तो क्या होगा। लड्डू से अगर यह लड्डू कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से यह लड्डू कट गया तो एक दिन में 141 लीटर दूध बेचता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? विश्लेषण शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ा, जो गणित की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ वो प्रश्न भी आपको मदद करेगा आपके ज्ञान को बढ़ाने में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राशिद लड़का है कोई, कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, बांट सकता है, अलग अलग कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। उसे अमूर्त को समझने में कठिनाई होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन अमूर्त को समझने में, जो उसे दिखाई नहीं देती, उसे वो समझने में उसे कठिनाई होती है। और जब कठिनाई होगी तो उस समय क्या करेगा। ठीक है, उस दशा में वो क्या करेगा, तो आइए देखते हैं उस दशा में वो क्या करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कक्षा 5 में जो राशिद पढ़ता है, कक्षा 5 में राशिद पढ़ता है, वो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे समझने में कठिनाई होती है। तो देखिए वहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को श्रेणियों वर्गीकृत कर लेता है, माने देखकर वर्गीकृत कर लेता है, लेकिन अमूर्त नहीं सीख पाता। अमूर्त ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब वो मूर्त जो चीज़ें हैं वो देखकर उसे अलग अलग कर लेता है, उसे क्लासिफिकेशन कर लेता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, होगा मूर्त अवस्था अपने आप। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, वह क्या कर रहा है, विभिन्न त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। यह लाइन अपने आप में अपने आप को बता रही है कि वह त्रिभुज को देखकर वर्गीकृत कर लेता, इसका मतलब वह क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कर पा रहा है। जब क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कर पा रहा है, बात साफ है, बात साफ और स्पष्ट है कि उसे क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्लियर हुआ? जो लोग लाइव देख रहे थे केवल कमेंट करके बता दें, हाँ सर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ूँ, ऐसे प्रश्न आएंगे भविष्य में तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि प्रश्न ही सब कुछ कहता है। लोग कहते हैं सर मुझे सीटेट में लगते हैं चारों विकल्प सही, ऐसा नहीं है। मेरी क्लास अगर आप पूरा अटेंड कर लेंगे तो आपको ये बातें स्पष्ट होंगी कि 4 नहीं, वास्तव में 1 विकल्प ही सही होता है।
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक प्रश्न है और काफी आसान प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, स्कूली गणित की सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीकरण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। चार विकल्प हैं आपके सामने, दिखाई दे रहे होंगे। वर्गमूल घनमूल निकालने समय सभी संख्याओं के प्रभाव निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेयों का निरूपण उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरण में अनुमोदित करने की, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष पर अनुशीलन की, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए, गणितीय रूप में चिंतन और तर्क से बच्चों का संसाधन में विकास करने में। अब आपको ये बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण क्षमता का विकास करना, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, जो स्कूली गणित है उसका जो लक्ष्य है ना, सीमित लक्ष्य, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीकरण बच्चों की क्षमता का विकास करना है। सीधी सी बात है कि जब बच्चों की गणितीकरण का विकास होगा तो क्या होगा, पूर्व धारणाओं उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करना, अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणित चिंतन के रूप में तर्क और संसाधन विकसित करना। तो याद रखिएगा, जो बच्चों का गणितीकरण करना होता है, जो बच्चों के दिमाग का हमें गणितीकरण करना होता है, हमें वहां पे एक बात जानना होता है, एक बात समझना होता है कि हमें उनके दिमाग का गणितीकरण करना है, हमें उन्हें रटाना नहीं है, उन्हें सिखाना नहीं, आसमान नहीं करना है, किताबी बोझ नहीं डालना है उनको, किसी भी तरह से हमें उनके दिमाग का गणितीकरण करना है, उन्हें तर्क करने के संसाधन उपलब्ध कराने, ताकि वह तर्कणा कर सके। गणित एक तर्कणा का विषय है, उसे तर्कणा करा सके और वह अमूर्त चिंतन कर सके। जैसे अमूर्त चिंतन का मतलब, राम के पास 5 आम था, उसने मोहन को 3 आम दे दिए, तो राम के पास कितने आम बचे? अब वहां पे आम दिखाई दे रहा है, वहां पे कल्पना करना था कि राम के पास 5 आम थे, उसने 3 आम मोहन को दे दिए, अब उनके पास कितने? 2 आम बचे। तो यह क्या है, दिखाई नहीं दे रहा था, इसकी क्या करना था, कल्पना करना था, तर्कण करना था, चिंतन करना था, सोच करना था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो विकल्प डी या चौथा उत्तर सही होगा, तर्कणा करना। ये बात जानते रहे भी, इस तरह से 5 से 7 प्रश्न आपके सीटेट पूछे जा चुके हैं, यह एक ही लॉजिक पर, तर्कणा को लेकर। गणित क्या है, गणित का जो मुख्य उद्देश्य है गणितीकरण, मतलब क्या है, उनको तर्कणा करना, उनके अंदर चिंतन का विकास करना, वो अपने कक्षा में खुलकर बोल सके, अपनी अभिव्यक्ति रख सके, इन सभी बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया, तो जिनको समझ में आ गया वो कमेंट करके वाई लिख दें, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो यन टाइप करें। देखिए, आप कक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, तो अपनी जब भूमिका सक्रिय अदा करेंगे तो मुझे इस बात को खुशी मिलेगी, मुझे इस बात में हमेशा खुशी रहेगी, मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकूं। ठीक है, कक्षा में सब जीवंत होनी चाहिए, और लोगों को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबाइए, लोगों को बता दीजिएगा। ये मुझसे ज़्यादा, ये आपकी करना चाहिए, जितना मैं कर पा रहा हूँ, जो आपका काम हो आप करिएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं प्रश्न से ज़्यादा व्याख्या पे बल देता हूँ। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक मानी एक अच्छी किताब की क्या विशेषता होगी? नहीं सर, मुझे भी पता है अच्छी किताब की विशेषता क्या होगी। आइए देखते हैं और आप बताइएगा एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकल्प बी है, कुछ लोग ए कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि पोल रंग कहना आसान है, लेकिन पहले व्याख्या को समझिए। मैं एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि पोल गलत था या पोल सही था। गणित की प्रत्येक किताब में, ध्यान समझिएगा, गणित के किताब में 4 से 5 पाठ के बाद एक दक्षता अभ्यास होता है। क्या होता है? दक्षता अभ्यास होता है। क्यों होता है, कमेंट करके बताइएगा। एक दक्षता अभ्यास होता है, वह क्यों होता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हर गणित के 2 से 3 पाठ के बाद एक दक्षता अभ्यास होता है। जी हाँ, दक्षता अभ्यास, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, दक्षता अभ्यास होता है। अब बताएं दक्षता अभ्यास क्या होता है, फटाक से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दक्षता अभ्यास क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, बताइए जल्दी। दक्षता अभ्यास, परीक्षा लेना, बच्चों के ज्ञान की जांच करना, बच्चों को ज्यादा ज्यादा अभ्यास कराना, बच्चों को उनके पाठ का मूल्यांकन कराना, तो अभ्यास कराना होता है। क्या होता है? अभ्यास कराना, एक बात। दूसरी बात,
जब हम गणित की गणित में जब किसी नए कक्षा में प्रवेश करते हैं तो पहला पाठ क्या होता है? जब गणित में, मैंने आपको पहले बताया था, मैं उन अध्यापकों में से नहीं हूँ जो केवल विकल्प याद करके आते हैं, मैं उन अध्यापकों में से हूँ जो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, मैं उन अध्यापकों में से हूँ। बेशक आप पढ़े ना पढ़े, आपकी संख्या कम हो, उससे डजेंट मैटर, लेकिन मैं जो हूँ वो वास्तविकता है। जैसे गणित जब पढ़ते हैं तो पहला लेसन क्या होता है? गणित जब भी नए क्लास में जाते हैं तो पहला पाठ क्या होता है? पुनरावृत्ति, याद है आप लोग को? पुनरावृत्ति होता है पहला पाठ, चाहे कक्षा तीन से चार में जाए, चाहे चार वाला पांच में जाए, एक वाला दो में जाए, दो वाला तीन में जाए। तो जो गणित का पहला लेसन होता है वो पुनरावृत्ति होता है। क्यों यह लेसन को रखा गया होता है? ताकि वो पिछले कक्षा के पढ़े हुए जो पाठ थे, जो किताब थी, उसका अभ्यास कर सके ज्यादा ज्यादा। दूसरा बात, आपने देखा होगा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, जब कक्षा दो या एक का आपने किताब देखा होगा, जैसे अगर जोड़ आ गया तो एक अंक का जोड़, जैसे तीन प्लस दो, चार प्लस एक, ये पूरी किताब में, मैंने पूरे पेज पर भरा था, मैंने ऐसे सवाल, ध्यान समझिएगा, ऐसे सवाल जो है, चार तीन प्लस दो, चार प्लस एक, ये पूरे पेज में भरे रहते थे। क्या सही बात है? पूरे पेज भरे पड़े रहते थे, इतनी अभ्यास होते थे आप लोग। अब देखते कहते यार इतने प्रश्न है, अब तुरंत लगा ले। उस समय क्या था, एक अंक वाले कम से कम पांच लेसन तक होते थे, फिर जब दो अंक किया जाता था तब फिर ये पूरे लेसन तक भरे होते थे। ऐसा क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो सके, कठोर अभ्यास हो, हल्के हुए अभ्यास हो, सरल अभ्यास हो। यह गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न हो। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सबसे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला होगा। अब जरा बताइए कितने लोग को लग रहा है कि अभी भी एक गलत है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और जवाब दें मेरे प्रश्न का, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर क्लास को वास्तव में पढ़ना है तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाइएगा। आपने भिन्न पढ़ा होगा, पूरे लेसन पूरा भिन्न दे देता है। प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो पूरे लेसन भर दे देता है। नहीं पता हो, विश्वास नहीं हो, तो कोई भी किताब उठाकर देख लीजिएगा। अब आते हैं कि बी वाले, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाए। जिस सभी संकल्पनाओं का परिचय एक पाठ्यपुस्तक में नहीं दी जा सकती, सभी संकल्पनाओं का परिचय नहीं दिया जा सकता, कुछ कुछ संकल्पनाएं, क्योंकि हमें पता है कि आपके ज्ञान के आधार पर नहीं, आपके उम्र के हिसाब से, आपके बौद्धिक स्तर के आधार पर किताबों में संकल्पनाओं को दिया जाना चाहिए, पेपर में अभ्यास दिया जाना चाहिए और उन्हें हल करवाना चाहिए। कक्षा एक के लिए एक, के लिए दो वालों के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार, पाँच के लिए पाँच। ऐसा नहीं है कक्षा तीन की किताब में हम कक्षा आठ तक के संकल्पनाओं का परिचय दे सकें, क्योंकि किसी भी किताब में हम जानते हैं व्यक्ति भिन्नता के साथ साथ अन्य बातों को भी ध्यान रखना होता है। इसलिए हम एक ही किताब में सभी संकल्पनाओं को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता तो कक्षा एक से लेकर बारह तक की मैथ हम एक ही किताब में दे सकते थे। क्यों उन सभी के लिए अलग अलग किताबों का प्रावधान किया गया है? कक्षा एक के लिए गणित अलग है, दो के लिए अलग है, तीन के लिए अलग है, सभी पाठ्य पुस्तक अलग है, माने स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय नहीं दिया जा सकता। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो इसका ए राइट आंसर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से जो लगे आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बहस तो नहीं कर पाएंगे ना। आप अगर डटे हैं, नहीं बी होगा तो बी मान लीजिएगा। मेरे आधार पर ए है, जितना मैंने पढ़ा, जो मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान है, मैंने तीन टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है, तीन टाइम दिया, तीनों टाइम क्वालिफाई, तो फिर मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान जो है उसके आधार पर ए होगा। आपके आधार पर क्या होगा? नोडल। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, अभी ये प्रश्न कई बार मिलेंगे इसी तरह के, क्योंकि एनसीएफ 2005 में पढ़ाऊंगा। एनसीएफ 2005 में इस बात का उल्लेख किया गया है गणित के पाठ्य पुस्तक में क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित में तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहली परीक्षा होनी चाहिए। पता है यहाँ पे चार ऑप्शन है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? गणित में चयन शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, सबको शिक्षा एक समान, तो विकल्प अपने आप गलत हो गए। निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए गणित पाठचर्या अलग हो। अब जैसे हम जैसे मंदबुद्धियों के लिए अलग पाठचर्या, अलग किताबें हों, आप लोग के जैसे लोगों के लिए अलग किताबें, ऐसा नहीं किया जा सकता ना। एक कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 40 किस्म के उनका बौद्धिक स्तर होता है, तो 40 किस्म की जो है पाठ्यपुस्तक नहीं बनाई जा सकती ना, पाठचर्या नहीं बनाई जा सकती ना, ये गलत है।
और समावेशी का सीधा सीधा विरोध कर रहा है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा होती हम जैसे मंदबुद्धि कहाँ पढ़ पाते, फेल हो जाते हैं, तो क्या हम गणित पढ़ने के योग्य नहीं थे? इसलिए भी गलत है। लेकिन आगे यह प्रश्न कई बार पूछा है कि अगर एक कक्षा में कोई भी परीक्षा में अगर पूरा सभी लड़के फेल होते हैं तो इसकी गलती होती है, तो गलती होती है परीक्षा कराने वाले की नहीं, उस विद्यालय की। क्योंकि गणित में सफलता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। इसलिए गणित का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, गणित का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, गणित का जो सिलेबस बनाया गया है, वे सभी किसके लिए है? वे सभी आपके सफलता के लिए। अभी मैंने कहा ना, कठोर अभ्यास क्यों दिए गए थे? इतने अभ्यास है कि लगातार आप प्रश्न को करते जाएं, पढ़ते जाएं, चलते जाएं, इतना ज्यादा अभ्यास आपका हो जाए कि आप गणित सीख जाएं। और इस प्रकार सभी, क्योंकि एक प्रश्न नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, चार, अरे दसवें तक जाके सीखेंगे, बीसवें तक तो आप जाकर सीखेंगे। इसीलिए इसके पहले वाले प्रश्न में कठोर अभ्यास के बहुत सारे अभ्यास होते हैं। कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं, कठोर अभ्यास देने के लिए ढेर सारे अभ्यास होते हैं। सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, अभ्यास ज्यादा होते हैं। इसलिए गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होता है। उम्मीद करते हैं कि मुझे आपको ये तथ्य, ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है और मैं सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाता हूँ, अन्य मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप पढ़िएगा, मैं इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया गणित के लिए शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, जल्दी से फटाफट बताइए भैया, इस महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप बताइएगा। चलिए, महत्वाकांक्षी का उद्देश्य बताइएगा, केवल महत्वाकांक्षी का और सुसंगत महत्वपूर्ण होना चाहिए, यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है? ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणितीय शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर हम महत्वाकांक्षी की बात करें, महत्वाकांक्षी की से क्या होगा, तो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों के लिए संकीर्ण छोटा उद्देश्य तो नहीं सकता, दिशा उद्देश्य, अन्य विषय से जोड़ना ये भी सही बात है, गणित के अनुप्रयोग की। लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर ये है कि गणित के उच्च उद्देश्यों, लक्ष्यों के लिए, जहाँ पर इसका एकमात्र लक्ष्य होता है हम अपने सभी बच्चों के, इसके पहले मैंने एक प्रश्न बताया था, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो हमें गणित के उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य रखना है। गणित में सफलता सभी बच्चों का पास कराना एक लक्ष्य होता है। देखिए क्या करना, प्रत्येक बच्चों की सफलता यहाँ पर आवश्यक होती है। सफलता के साथ साथ हम उनके अंदर गणितीय तर्कणा को विकसित कर सकें, हम उनके दिमाग का गणितीकरण कर सके, हम उनकी सोच का गणितीकरण कर सके, इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो, आप पूछ सकते हैं जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर गणितीय सोच और तर्क को बढ़ाना गणितीय के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों का महत्वाकांक्षी तात्पर्य होगा। सभी को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो लाइव देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाने के लिए लाइक करें ना करें, लेकिन ये बता दें कि उनको समझ में आ गया या नहीं, इस बात को वो जरूर बता दें। सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आप इतना अगर बता लेते हैं तो आपकी महान कृपा होगी। बस इतना ही करना है आपको, बस आपको स्पष्ट रूप से मुझे ये बता देना है कि हाँ सर आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, हुआ तो क्यों, नहीं हुआ तो क्यों। ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट करके जो लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि कक्षा दो के सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय प्रत्यक्ष वस्तुओं से दी गई है। संख्या के पश्चात युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि
आ गया जी। क्रियाकलाप वस्तुओं की संख्या गुणन क्रियाकलाप द्वारा उसके पश्चात शिक्षक ने जांच करने के लिए कहा कि यह देखें रंगों के डिब्बों में किरायानों की कुल संख्या सम अथवा विषम है, उनकी गणती कापी कागजों पेजों में सम अथवा विषम संख्या क्या है, किरायानों अथवा पेज की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का कार्य क्या होगा। आइए हम लोग इसके प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको एक लाइन में बता दूँ मूर्त का मतलब क्या होता है। जैसे मैं वस्तु दिखाकर पढ़ाऊँ, वस्तु दिखाकर मैंने जैसे कह दिया कि यहाँ पे 1, 2, 3 पेन है, ठीक है, अगर इसमें हम 2 पेन और मिला दें तो जो पेन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी। तो बच्चे कहते हैं सर 1, 2, 3, 4, 5, फिर गिनते हैं कहते हैं सर ये 5 होगी। तो हम क्या करते हैं प्राथमिक विद्यालय में जब प्रारंभिक गणितीय शिक्षण करते हैं तो वस्तु दिखाकर हम उन्हें ज्ञानार्जन कराते हैं, बाद में वस्तु हटा लेते हैं, उनके पास ज्ञान शेष बचता है। तो इसी के आधार पर आपको दिए गए प्रश्न का विकल्पों का चयन करना है और यहाँ उसका उत्तर देना है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग अब ध्यान से बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं आपका इसका व्याख्या पूरी तरह से क्लियर कर सकूँ। यहाँ पे दिया है कि कक्षा 2 में सम और विषम संख्या की संयोजना का मूर्त प्रत्यक्ष जो वस्तु होती हैं उन्हें दिखाकर उन्हें ज्ञान कराया जा रहा था और युग्मन क्रियाकलाप द्वारा इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से जाँच करने के लिए कहा कि रंगों को डिब्बों में किरायान की कुल संख्या सम है अथवा विषम, रंगों के डिब्बों में किरायान की कुल संख्या सम अथवा विषम, उनकी गणित की कापी में कागज जैसे एक क्रेयान था उनमें सम है या विषम, गणित में जो किताब के पन्ना उसमें सम है या विषम। तो इसका ज्ञान कराने का उद्देश्य उनका था अधिगम के लिए मूल्यांकन, सिखाने के लिए मूल्यांकन था, ठीक, इसके लिए अधिगम के लिए मूल्यांकन था, ना कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन था, अधिगम के अंत में मूल्यांकन था, अधिगम का अधिगम के लिए उन्हें सिखाने के लिए मूल्यांकन करना था कि क्या बच्चे कर पाते हैं, क्या जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं आपकी कक्षा में बैठे हैं क्या वो इसके साथ सीख पाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे एक किताब में किसी ने कहा सर मेरे किताब में सर 17 पेज हैं तो सम है या विषम, तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन हुआ। अब कहा मोहन किताब में 17 है और शिवांगी की किताब में पता चला 23 है तो दोनों में क्या है विषम आया। तब तक यहाँ पर देव जो किताब है जो देव हैं उनमें क्या है उन्हें पता चला कि 22 है ये सम है। इस प्रकार हमने ये देखा कि उनकी कक्षा में सम है या विषम इसका क्या होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। तो दिए गए प्रश्न का विकल्प ए है। तो क्या सभी को ए समझ में आ गया ना, ए क्यों है, कोई आपत्ति तो नहीं करेगा ना कि ए नहीं सर ये होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। कृष्णा जी ने बताया कि मेरे में 24 है, पूजा गंगवार का 27 है, इस प्रकार जब पेजों की संख्या गिनी जाती है वहां पे क्या होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। इकट्ठा 2 में व्याकलन को घटाना कहते, याद रखिएगा कि प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्त को भरने के लिए कहा, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। जैसे 10 में से 2 गया, मैं भर देता हूँ भैया 8, 10 में से 4 गया 6, 10 में 2 जोड़ा तो 12, 10 में 1 जोड़ा 11, 10 में से 1 घटाया 9, 10 में से 3 घटाया 7, 10 में से 5 घटाया 5, 10 में से 2 जोड़ा 12। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। तो भैया जी जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्न का उत्तर बताने के लिए, कमेंट करिए फटाफट। देखिए पहले मैं 2 शब्दावली सिखा देता हूँ आपको। व्याकलन माने घटाना होता है, ये तो आपने देख लिया सीख लिया, लेकिन संकलन का क्या होता है। यहाँ पे घटाना और जोड़ दोनों, देखिए यहाँ पे घटाना और जोड़ दोनों है, संकलन और व्याकलन में कुशलता की प्रबल करना, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ संकलन और व्याकलन माने जोड़ और घटाना की कुशलता को प्रबल करना। देखिए कहीं पे घटाना है तो कहीं पे जोड़ है, कहीं पे जोड़ कहीं घटाना, यहाँ पे जोड़ घटाना दोनों को सम्मिलित किया गया, इससे एक बात स्पष्ट होता है क्या, यहाँ पे संकलन और व्याकलन की कुशलता को प्रबल करना इसका मात्र उद्देश्य है। क्लियर, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे आप लोगों का जवाब क्लियर हुआ कि नहीं, सबको समझ में आ गया। जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे समझ में आ गया वाई नहीं तो, यहाँ सभी लोग जो लोग भी लाइव देख रहे हैं और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग अभी कहते विद्या माई कसम है सभी को शेयर करिए, शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि आप लोग फीडबैक नहीं देते, बताइए फीडबैक देने की संख्या कितनी है, इतनी कम संख्या है, मतलब आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा लोग रहे हैं कि फीडबैक देते कम है। यार जवाब देने में कौन सी कंजूसी, वाई लिखने में टाइम लगता है क्या, ये वाई टाइप करने में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप कंजूसी करेंगे तो मैं भी कंजूसी कर दूंगा पढ़ाने में। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए कुल आयत चित्र में उपरोक्त क्या जांच करेंगे, कुल कितने आयत हैं, ये जांच करने के लिए चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। समझ, बोध, गम्यता, ज्ञान, सृजनता, याद करने की संगति क्या होगी, आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, तो उपरोक्त क्या जांच कर रहा है यार, ये बताइए। इसमें आयत है, इसमें वर्ग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो इसमें क्या जांच करें। ज्ञान की जांच हम कर नहीं सकते क्यों, क्यों इनसे 2005 मना करता है, किसी के ज्ञान की जांच नहीं करना। इसे मैं कभी कभी आपके ज्ञान का जांच किया, कभी नहीं किया। मैंने कहा मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन आप लोग प्रखर बुद्धि, सामान्य बुद्धि, बालक या बालिका है। सृजनता की ये कर सकता है, याद कर सकते, ये नहीं, यहाँ पे दो काम कर सकता है। लेकिन जब चित्र देखकर उसमें से कुछ चीज जानना हो, समझना हो, निकालना हो, तो वह किसके अंतर्गत आता है, समझ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर चित्र को देखकर समझना है कि कैसे इसमें कितने आयत हैं, तो उसके लिए इस दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वह बी अर्थात दूसरा इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें क्या आपका भी बी और राइट आंसर है तो क्यों है, और कमेंट करने के जवाब के साथ साथ आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ो मैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं है ना, कोई डाउट कोई समस्या रहे तुरंत पूछिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों के लिए समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए, वर्ग पहली, ध्यान दीजिएगा, समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए, सेंटेंस को समझिएगा, और जब सेंटेंस को समझेंगे तभी हम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। कोई वर्ग पहली जिसमें सीखे गए सभी संख्या मुख्य पद जैसे सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य आदि के संकेत सुराग दिए गए हों, कोई सामूहिक प्रयोजन प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान के रूप में 4 सदनों में जिसका प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप को प्रतिभाशाली छात्र हों, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतर्गत पहली प्रतियोगिता आयोजित करना, कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात करना, तो क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं हम आप जवाब क्या देते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए समस्या को हल करने के लिए जो कुशलता में वृद्धि के लिए क्या करना होगा, कोई सामूहिक परियोजना जैसे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में विभाजित किया जाए ताकि सदन में खेल, कला, संस्कृति, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। इसमें आपको बताऊं कि हमें क्या करना, अपनी कक्षा को कई भागों में बांट देना है, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि मॉनिटर का चयन कैसे करें, जिसे हम कक्षा नायक कहते हैं, हमें कक्षा नायक का चयन किस आधार पर करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं हमारे इस कक्षा का कक्षा नायक कैसा होना चाहिए। जी हाँ बताइए फटाफट, बाकी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के इलेनी भी दुर्गेश पर सभी क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉनिटर का मतलब क्या होता है, मैं अपनी कक्षा में, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में तेज हो वही मॉनिटर हो, ये कदाचित नहीं होगा, कोई अच्छा खेलता होगा, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा बजाता होगा, कोई अच्छा सुनता होगा, कोई अच्छा पढ़ता होगा, कोई अच्छा खेलता होगा, तो जिस मुद्दे पे जो आगे होगा प्रत्येक दिन आप लोग हम लोग कक्षा में आयोजन करेंगे, आज का मॉनिटर ये, कल का मॉनिटर ये, रोज का मॉनिटर हम लोग चेंज करेंगे। जब हम लोग मॉनिटर को बदलेंगे तो एक बात होगा, सभी को मॉनिटर बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा और सभी बच्चे सीखेंगे और इसलिए हम प्रतिभाशाली छात्रों को आसानी से जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे राइट और सही उत्तर है वो क्या है, दूसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। कोई समस्या किसी को हो तो पूछ सकता है, था मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा 3 में गुणन इकाई की अनुमोदित कुल संकल्पना है, आप लोग अपने अपने जिले की विशेषता बता देंगे तो ताकि आप लोग की जीएस तैयार हो जाए। इस गणित की कक्षा में अगर आप लोग अपने जिले के बारे में एक एक लाइन लिख देंगे तो हर जिले की विशेषता होती है। हमारे जिलों को आईएएस की धरती कहा जाता है, अभी नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा जौनपुर जिला में,
तो ऐसे आप लोग के यहाँ भी कोई ना कोई विशेषता होगी, हर जिले की विशेषता, जैसे ताला नगरी है, इत्र नगरी है, ठीक है, ताज नगरी है, ऐसे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो सबकी तैयार हो जाएगी जीएस। कक्षा तीन में घूर्णन की इकाई को अनुमोदित करना संकल्पना क्या है? ठीक है, मैं ये इसका वो कराता हूँ, क्या कहते हैं, आप लोग को उत्तर देने का मौका दे। प्रश्न का उत्तर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ पे है 3 × 2 = 6, अगर मैं 2 × 3 कर दिया तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? बताइए फटाक से, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं। जैसे 7 × 4 है, अगर हम 4 × 7 कर देंगे क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? तो कह रहा है कक्षा तीन में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, क्या है, आइए, कि गुणन के गुणधर्म, क्रम गुणन और समूह गुणन में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह क्या है, 20 का राइट आंसर होगा। तो भैया सबको समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया होगा, मित्र साथी भाई बहन छोटे बड़े सबको अगर समझ में आ गया होगा तो फटाक से आप कमेंट का जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, यहां किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे है, भिन्न की इकाई से शिक्षक छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहता है, यह प्रश्न संकेत करता है। वाह क्या प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कह दिया, जब भिन्न की इकाई से शिक्षक छात्रों के लिए 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहता है तो क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, कृष्णा जी थैंक यू आपका। ठीक है, अभी बोर्ड पे आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। आइए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं कह दिया 5 भिन्न कोई लिखिए तो क्या हो गया, 5 भिन्न कोई भी लिख सकता है। ठीक है, ये 5 भिन्न हो गए, ये क्या हो गए, 5 भिन्न हो गए, ये 5 भिन्न हो गए, कुछ भी लिख दिया आपने, कुछ भी आपने लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, ये क्या हो गए, भिन्न हो गए। मैंने अपने कुछ भी लिख दिया तो भिन्न हो गए, क्योंकि इनका बटा जहां कुछ नहीं होता उनका बटा हम 1 मान। अगर हमने कुछ भी लिख दिया तो भिन्न हो गए, तो सोचने का कौन सा स्तर है, सोचने का कौन सा स्तर हुआ, कुछ भी लिख दिया हमने भिन्न हो गए, कुछ भी या लिख दिया, ये देखिए भिन्न हो गया क्योंकि इसका बटा 1 लिख दिया। मैंने कुछ भी लिख दिया वो भिन्न हो गया, ये सोचने का कौन सा स्तर हुआ? अब आप कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा स्तर होगा। कुछ भी लिख दिया आपने भिन्न हो गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या होती है, उसको भिन्न में कहते हैं। तो बस अब आपको उत्तर पता हो गया। तो ऐसा प्रश्न को जो व्याख्या होती है वो सबसे ज्यादा आपके लिए मायने रखती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, हो चुके हैं तो एक बड़ी और अच्छी बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जिसकी फर्स्ट क्लास से, अन्य लोगों से पूछ ले मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मेरी क्लास से ज़्यादा, आपका टाइम सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आप उनसे फीडबैक ले लिया करिए, जो क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो क्लास और पहले दिन से देख रहे हैं, तो वो लोग आपको बेशक बता पाएंगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा। दिए गए प्रश्न में PQ RS रेखा खंड की लंबाई मापी है। बच्चों ने उत्तर दिया कि AB 5 सेमी और AB की लंबाई 3 सेमी। मैंने इसको बता दिया ये 5 सेमी है, 5 सेमी, ये है 3 सेमी। अब बच्चन बेचारे ने क्या गलती कर दिया, आइए
अब हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, अचानक मैं बोल दिया कुछ भी बोल रहा हूँ, लिखता हूँ कुछ, जैसे मैंने बोल दिया 14 तो अचानक मैं 18 लिख देता हूँ, तो आप लोग कहते हैं सर दुर्गेश सर को कुछ आता ही नहीं, जो नए लड़के आएंगे उन्हें लगेगा दुर्गेश सर को कुछ आता ही नहीं, ये 14 को 18 लिख रहे हैं, 18 को 14 लिख रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ ना आए, मैं कभी जोड़ रहा हूँ तो जल्दी आदि में, कभी मैं 17 में से अगर मैं 12 घटाना है मैंने 6 लिख दिया, अगर दुर्गेश सर को गणित नहीं आती, कोई बच्चा पहली बार पढ़ने आएगा कहेगा इनकी क्लास मत पढ़ो, उनको घटाना नहीं आता। लेकिन ये कौन सी त्रुटि है, ये आदत पड़ गई है कि तुरंत लगाना, तुरंत हल करना, तो वहाँ पे त्रुटि हो सकती है। इसलिए अब आप बताइए कौन से विकल्प में यहाँ पर त्रुटि, कौन से विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे वो पी क्यू को ए बी समझ रहा है, आर एस को ए बी समझ रहा है, तो उसकी आदत पड़ गई है, उसको समझनी, जैसे मेरी आदत पड़ गई है, जैसे अभी किसी ने कमेंट किया कि सर आप बार बार कहते हैं कमेंट करने को, तो ये मेरी आदत पड़ गई है, और जब आदत पड़ गई है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, मैंने वैसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं कहता, हाँ लाइक जरूर करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, तो इसलिए ये मेरी आदत है और हैबिटेंट हैबिट हो चुकी है मेरी, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका उसका राइट आंसर होगा। तो जो उदाहरण होता है, जो एग्जाम्पल होता है, वो आपके लिए सीटेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो एग्जाम्पल होता है वो सीटेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, यकीन मानिए जीवन में कभी आपसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं आगे बढ़ूँ अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, अंत में आगे चलूँ। पढ़ने में मजा आता है, मेरी क्लास बोरिंग लगती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही पेचीदा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 4 की किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई कि 336 बस स्टाफ है मुंबई, 127 बस स्टाफ से अधिक है दिल्ली, तो उपरोक्त तो छात्र ने एक विधि बनाई। देखिए विधि क्या है, यहाँ पे ये बनी है। अब इस विधि के आधार पर दिल्ली में कुल जो बस है इतना है, शिक्षक ने छात्र के प्रदर्शन विषय पे क्या रिपोर्ट देगा। अगर आप शिक्षक हैं, छात्र के इस प्रदर्शन रिपोर्ट पर क्या देंगे, जैसे अगर कह दिया जाए, जैसे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैंने दे दिया कि मैं दुर्गेश 3 रोटी खाता हूँ, कितनी रोटी, 3 रोटी खाता हूँ। शिवांगी दुर्गेश से 5 रोटी ज़्यादा खाती है, तो शिवांगी कितनी रोटी ज़्यादा खाती है, तो ये क्या होगा, वो दुर्गेश से 3 रोटी अधिक खाती है, तो दुर्गेश से कितनी रोटी, 5 रोटी अधिक खाती है, दुर्गेश कितना खाता है, 3 रोटी, तो 3 प्लस 5 इसका मतलब शिवांगी एक दिन में 8 रोटी खाती है, 8 रोटी खाती है इसका मतलब मोटी होगी। तो इस तरह को समझने के लिए अब हम आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एकदम एग्जाम्पल बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या है। सही छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, मतलब छात्र जो है सही उत्तर तो जान सकता है लेकिन उसको ज्ञात करने का तरीका गलत है, क्या सही है, तो ये बात गलत हो गई। फिर कह रहा है छात्र ने सभी क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसने अधिक अभ्यास कर सकता है, ये भी गलत बात है, छात्र बड़ा दिमागदार है, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने में योग्यता नहीं रखता, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे छात्र समस्या को समझने में, उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, उसने कितना बढ़िया बनाया, बताइए कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दिया। अब अगर कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या होगा, कभी भविष्य में ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। क्लियर, कोई डाउट किसी को, जितने लोग लाइव में फटाफट कमेंट करके बताएं, जिनको समझ में आ गया वाई कमेंट करें, जिनको नहीं समझ में आया वो यन कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी से मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं। इससे एक बात हो गया कि जो नाम मैंने एग्जांपल में दिया है इस नाम का कोई व्यक्ति लाइव नहीं पढ़ रहा है, अगर वैसा कोई व्यक्ति लाइव पढ़ता तो कमेंट जरूर करता। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए इन्हें इस प्रकार पढ़ा, जैसे क्या पढ़ा, 3 6, क्या पढ़ा, 3 6, 40 8, 400,
आठ, मैंने कल पढ़ा था इस क्वेश्चन 40-10। तो भैया ये जो छात्र है वो त्रुटि कर रहा है पढ़ने में, और उसका त्रुटि का जो कारण है वो कारण हम लोग को जानना है यार, कौन सा कारण है जिसके कारण ये बंदा त्रुटि कर रहा है, जिस कारण यहाँ पे त्रुटि हो रही है, इसे तो हमें भी जानना पड़ेगा और आपको भी जानना पड़ेगा। जब त्रुटि जानना है आइए जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, छात्र ने को गणित कक्षा अच्छी नहीं लगती, ये गलत बात है। छात्र ने स्थानीय मान के संकलन में समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, ये भी गलत बात है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है। छात्र स्थानीय मान संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल दो अंक की समस्याओं को पढ़ना आसान लगता है, जैसे यहाँ पे 40-10, 40-8, तो वह दो अंक की जो संख्या उसे पढ़ना आसान लगता है, यहाँ पे विदित हो गया। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चौथा आंसर सही है। चौथा क्या है, सही उत्तर है। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कक्षा पांच के चार के, देखिए मैंने पांच के चार के ये समय के मूल्यांकन का प्रचलन होंगे। तो भैया फटाफट आप लोग सोचिए क्या होगा, समय के मूल्यांकन का की प्रचलन होंगे। देखते हैं यहाँ पे हमने देखा कि समय के मूल्यांकन ने केवल सादृश्य घड़ी, सादृश्य मैंने जो घड़ी दिख रही है क्या उसे पढ़ना है, क्या सादृश्य हो जाएगा। यहाँ पे है केवल अंकी घड़ी को पढ़ना, जैसे एम पी एम पढ़ना, ये भी तो पूरा प्राचल मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। केवल अंकी घड़ी का समय पढ़ना, ये भी तो नहीं हो पाएगा। मतलब पूरी तरह से निपुण हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अंकी घड़ी सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक है, चौथाई घंटा अधिक है, चौथाई घंटा कम है, एम पी एम इन सभी की जो संकल्पना है उसको जो पढ़ना, वे सभी क्या क्या लाते हैं, वे सभी समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। मतलब एक तो पूरी तरह से आप सीख पाए, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार ये आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स टू ऑल वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपके परीक्षा में काफ़ी मददगार होंगी, और मैं रैंक मैं अन्य चीज़ों के लिए न पढ़ाकर मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा था, तो मैं अपनी बातों को वहाँ पे विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा।